दूसरे नंबर पर कविता जी हैं। कविता रानी जी अपनी बात कहना चाहेंगे। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को मेरा सादर प्रणाम एवं उपस्थित यहाँ सभी अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कविता रानी है। मैं ग्राम ढकिया बावनसराय जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं स्वयं बुक्सा जनजाति की हूँ। मुझे निदेशालय जनजाति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अनेक योजनाएं जो संचालित की जा रही हैं उनमें से सिलाई कढ़ाई व कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के प्रशिक्षण के द्वारा मैं अपने ग्रामवासियों की मदद कर पा रही हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में मैं एक पंचायत सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ, जिनका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी को देना चाहती हूँ, जिनका सपना था कि उत्तर प्रदेश की समस्त ग्राम में एक मिनी सचिवालय की स्थापना की जाए, जिससे ग्रामवासियों को जो जन सुविधाएं हैं वो अपने ग्राम में ही प्राप्त हो। क्योंकि ब्लॉक जाने में सभी को बहुत कठिनाई प्राप्त होती थी, इसीलिए इस कार्य में सभी मंडल अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, समस्त ब्लॉक कर्मचारी एवं स्वयं मैं इस में प्रतिभाग कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है एक मिनी सचिवालय स्थापित करने का, वो सफल हो। और मैं आशा करती हूँ कि ये कार्य मैं आगे भी करती रहूँ, अगर इस पद की सराहना आगे तक रहे। और साथ ही मैं माननीय महोदय जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरी ग्रामवासियों को बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के बच्चों के लिए एक कोचिंग क्लास की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम लोग 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे राज्य उत्तराखंड में जाते हैं, जहाँ मैंने भी 12th वहीं से किया है। अच्छे नंबर आने के बावजूद भी यूपी और उत्तराखंड के बीच में होने के कारण मुझे अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। बच्चों को लैपटॉप भी वितरित हुए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि हम इस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, आगे जो भी बच्चे हैं उनको ये सारे लाभ प्राप्त हो। और मेरे जो ये विचार है, जो मेरी समस्याएं हैं ग्रामवासियों की, मैं राष्ट्रपति महोदय जी एवं जनजाति मंत्रालय से निवेदन करती हूँ कि इन समस्याओं को ध्यान आकर्षित करके इन पर कार्य किया जाए। धन्यवाद, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अब मैं धन सिंह जी से अनुरोध करना चाहूंगा।